हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सपोर्ट आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम वीडियोस को दोनों फॉर्म में अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी स्मार्ट बोर्ड पे भी और पेन पेपर फॉर्म में भी। हम चाहते हैं जिस भी तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को समझ आए वो वे उनके लिए अवेलेबल हो, और हमारी वीडियोज़ के पीछे एक ही कंसेप्ट है, कम टाइम में कंसेप्ट ज़्यादा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.2 न्यू सिलेबस के हिसाब से, और एक ई बार में 1 to 10 क्वेश्चन, वो भी हाफ एन आवर में, 30 मिनट के अंदर। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड असाइनमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस। देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ बातें जान लेना ज़रूरी है इस टेबल का आंसर देने से पहले। तो वो क्या बातें हैं आपके पास? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है ना, उसे हमेशा याद रखेंगे, जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो 0 और 0 से बड़ी और 1 और 1 से छोटी, राइट? इसकी वैल्यूज इसी के बीच में लाई करती है, इसके बियॉन्ड नहीं जाती, क्लियर? तो आपके पास जब आपने ये टेबल देखना है तो बेसिकली आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि क्या फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें, क्या ये कोई भी प्रोबेबिलिटी जो है नेगेटिव तो नहीं है। तो आप देखिए, अगर हम नंबर लाइन पे इसे प्लॉट करें, हमने आपको क्लियरली बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में होती है, ना तो 1 से बड़ी हो सकती है ना 0 से छोटी, मतलब नेगेटिव भी नहीं हो सकती, क्लियर? तो इसका मतलब सबसे पहले हम जब ये टेबल देखेंगे तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है क्या कोई प्रोबेबिलिटी नेगेटिव तो नहीं है किसी भी इवेंट की। जैसे इसमें 7 इवेंट्स हैं, तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप रिजेक्ट कर देंगे उसे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, राइट? उसके बाद हम सेकंड नंबर पे चेक करेंगे कोई भी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 तो नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन 1 भी आपके पास प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम सबका सम चेक करेंगे कि सबका जो सम है वो 1 आना चाहिए, क्लियर? तो चलिए इन तीनों कंडीशन को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट, 0.1 0.01, कोई भी मुझे प्रोबेबिलिटी फिलहाल नेगेटिव तो नहीं लग रही, यानी फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। सेकंड कंडीशन में अगर मैं चेक करूं तो मुझे सारी प्रोबेबिलिटीज लेस देन 1 दिख रही है, तो सेकंड भी ऑब्वियसली ओके हो गई। अब बारी आती है थर्ड की, इन सबका सम निकालते हैं। तो इन सबका सम निकाला तो इन सबका जो सम है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, राइट? सेकंड है, सेम सेकंड में भी हम करेंगे, कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं है, ठीक है, और कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं है, बिल्कुल सही। और अगर हम इन सबका सम निकालें 1/7 1/7 1/7, तो इट बिकम 7/7 विच इज ऑल्सो 1। तो इसका मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब ये भी आपके पास बिल्कुल करेक्ट है, इसकी भी इवेंट्स एकदम करेक्ट है, इसकी प्रोबेबिलिटीज भी पॉसिबल है। फिर हम आए थर्ड पर, इसमें 0.1 0.2 0.3 0.4 दे रखा है। अब देखिए, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है, कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं है, लेकिन दूसरी प्रोबेबिलिटी भी ओके है क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटीज लेस देन 1 है आपके पास। अब बारी आती है सबका सम चेक करते हैं। तो देखिए, अगर आप 0.7 और 0.3 को ही प्लस कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा, जबकि सबका सम 1 आना चाहिए। तो ये तो इसका जो सम आएगा ये 1 से बड़ा आएगा, इसका मतलब तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज नहीं हो सकती है, राइट, इस सैम्पल स्पेस की। और डी तो देखते ही काट दीजिए, क्योंकि इसमें सबसे पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव दे दी, नेगेटिव तो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, तो ये तो ऑटोमेटिकली ये जो असाइनमेंट्स है ये गलत है। फिर आती है ई पॉइंट, तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज जो हैं पॉजिटिव हैं, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबका सम 1 आता है। तो आप देखिए, जो लास्ट वाली प्रोबेबिलिटी है ये अपने आप में ही 1 से बड़ी हो गई है, देखिए 15/14। इसका मतलब ये है कि जो ये असाइनमेंट गिवन है दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी आ जाए, क्लियर? इसका मतलब आपके पास जो ई है ये भी पॉसिबल असाइनमेंट नहीं हो सकता, तो इसे भी हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, राइट? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है आपको, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 टी रखा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सैंपल स्पेस निकालने हैं, उसके बाद ही हम इसके सवालों का जवाब देंगे, दैट इज बेटर। तो सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे, देखिए जब आपने कॉइन को टॉस करा, सबसे पहले आपने ये देखना है किसी भी पॉसिबल आउटकम को निकालने के लिए कि उसके कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, राइट? तो कभी भी याद रखिए, जितने भी फेस हों, अब कॉइन के फेस कितने होते हैं, 2, और आपने इसे कितनी बार टॉस करा है, 2, तो जितने फेस हों वो डिनोमिनेटर में, मतलब बेस में, सॉरी फेस बेस में, और पावर जो है लगा दीजिए जितनी बार आपने उसको टॉस करा है। तो 2 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा, 2 into 2, यानी कितने आउटकम्स बनने चाहिए, 4 आउटकम्स। अब कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, 4 का हाफ कितना होता है, 2, यानी 2 बार हेड लिख दीजिए, 2 बार टेल लिख दीजिए, राइट? और 2 का हाफ कितना होता है, 1, 1 बार हेड 1 बार टेल 1 बार हेड 1 बार टेल,
कई स्टूडेंट्स कहते हैं मैम ये तो ऑब्वियस है, इसको आप इस तरीके से करके क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये प्रोसेस सीखेंगे तभी जब कॉइन 3 बार टॉस करा जाएगा, 4 बार टॉस करा जाएगा, तो शायद आपके लिए पॉसिबल आउटकम्स इमेजिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, एक दो छूट जाते हैं। तो तब ये प्रोसेस जो मैंने अभी आपको समझाया है बहुत हेल्पफुल होगा। हमने सबसे पहले क्या किया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाले 4 का हाफ होता है 2, 2 बार हेड लिखा, 2 बार टेल लिखा, फिर 2 का हाफ 1, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। तो हमारे पास सैंपल स्पेस तैयार हो गया अगर हम 2 डाइस थ्रो करते हैं। नाउ कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 टेल, तो हम सबसे पहले इसको ई इवेंट दे देंगे एट लीस्ट 1 टेल। अब एटलीस्ट 1 टेल का क्या मतलब है, कम से कम 1 टेल, यानी 1 टेल आई हो, 2 टेल आई हो, वो सब लेना है। एटलीस्ट का मतलब होता है वो नंबर और उससे ऊपर भी जाना है, कम से कम, बेसिकली इसका मतलब होता है कम से कम। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है, नीचे आता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो कि 4 है आपके पास। अब कम से कम 1 टेल मतलब 1 टेल और 2 टेल दोनों लेने हैं, तो 1 टेल ये आ गया और 2 टेल वाला ये आ गया, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/4, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। एक डाई को आपने थ्रो करा और इन सबकी प्रोबेबिलिटीज आपको निकालनी है, ओके। सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखिए, अगर एक डाई थ्रो होती है तो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप इन इवेंट्स को डिफाइन कर देंगे, सबसे पहले ये ई इवेंट ले लिया हमने, इसको एफ ले लिया, इसको जी ले लीजिए, इसको एच ले लीजिए, राइट, इसको एम ले लीजिए, कोई भी इवेंट डिफाइन कर देंगे जैसे अभी हमने ऊपर डिफाइन करा। अब सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई इवेंट की, यानी प्राइम नंबर अपीयर। तो प्राइम नंबर कौन हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6, और फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 3। तो इसका मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। नाउ सेकंड, नंबर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, एफ इवेंट हमने इसको लिया है। अब 3 और 3 से बड़ा, तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी और ये भी, 3, 4, 5, 6। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 4/6, तो इसको सॉल्व कर दिया, हमारे पास आ गया 2/3। नाउ थर्ड इवेंट, थर्ड पॉइंट, नंबर ग्रेटर देन 6, ये जी इवेंट है हमारे पास। देखिए क्या 6 से बड़ा कोई नंबर हो सकता है, तो आंसर होगा 0/6, यानी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। और ऐसे इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं होते, इनको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, राइट। चलिए फोर्थ देखते हैं, एच हमने लिया इसको, नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, तो लेस देन तो नहीं है पर इक्वल टू 1 तो है, तो ये 1/6 हो जाएगा। फिफ्थ, नंबर लेस देन 6, अब नंबर लेस देन 6 की अगर हम बात करें तो इट्स 5/6, क्योंकि 5, 4, 3, 2, 1, क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कार्ड से रिलेटेड, तो पहले हमें कार्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए तभी हम इन क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। तो कई स्टूडेंट्स को पता है और कई स्टूडेंट्स को नहीं पता, तो हम एक बार दोबारा से कार्ड्स के बारे में आपको नॉलेज दे रहे हैं। तो देखिए 52 कार्ड्स होते हैं और उन्हें 4 सूट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अब आप 52 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने का ग्रुप आ जाएगा, 13 का, राइट। एक होता है आपके पास स्पेड, एक होता है क्लब, एक होता है आपके पास हार्ट और एक होता है आपके पास डायमंड। 13 कार्ड्स सब में होते हैं, राइट। अब जो हार्ट और डायमंड है ये होता है रेड कलर का, और जो स्पेड और क्लब है ये होते हैं ब्लैक कलर के। अब ये 13 कार्ड का बाइफर्केशन क्या होता है, तो पहला होता है एस जिसको हम 1 कहते हैं, 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड्स होते हैं जो 9 हो गए आपके पास, और जे के क्यू इनको हम फेस कार्ड बोलते हैं और ये 3 होते हैं, क्लियर। तो अगर हम 52 कार्ड्स की बात करें तो आप देखिए एक एस स्पेड में होगा, एक एस क्लब में होगा, हार्ट में डायमंड में, तो 1 × 4 टोटल एस कितने हो गए, 4। नंबर कार्ड्स 2 से लेकर 10 तक, यानी 9 नंबर कार्ड्स हैं सब में, तो 9 × 4 टोटल नंबर कार्ड्स कितने हो गए, 36। फेस कार्ड जे के क्यू स्पेड में भी होगा, क्लब में भी होगा, सेम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन का जवाब बड़े आराम से देंगे। तो देखिए इसने कहा अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम 52 कार्ड्स, आपने एक कार्ड निकाला, हाउ मेनी पॉइंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो सबसे पहली बात, सैम्पल स्पेस में यानी आपके पास पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 52 पॉइंट्स हैं, 52 कार्ड्स में से कोई भी कार्ड निकल सकता है। फिर उसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ स्पेड, तो प्रोबेबिलिटी इसको हम इवेंट डिफाइन कर देते हैं ई, राइट। तो ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एस ऑफ स्पेड, देखिए स्पेड है, स्पेड में कितने एस होंगे, एक ही होगा, प्रोबेबिलिटी हो गई 1/52, राइट। फिर हमारे पास है सी के 2 पार्ट, चलिए सी में पहला है आपके पास एस चाहिए, तो एस उसने क्लियरली नहीं बताया, जैसे यहाँ तो बताया एस ऑफ स्पेड, यहाँ बोला एस, तो कोई भी एस आ सकता है, तो स्पेड में भी एक एस होता है, क्लब में भी एक एस होता है, हर्ट में भी होता है, डायमंड में भी, तो इसका मतलब 4 में से कोई भी एस आ सकता है और अपॉन में तो 52 आएगा ही आएगा, राइट। इसी में आपके पास एक और पूछा ब्लैक कार्ड, तो हमने आपको बताया स्पेड और क्लब दोनों ब्लैक होते हैं, तो 13 और 13 यानी ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपके पास, इट्स 26/52,
हाँ सिंप्लीफाई ज़रूर करना है आपने अगर कट रहा है तो, जैसे ये वन अपॉन 13 आ जाएगा और ये वन अपॉन 2 आ जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ फेयर कॉइन मार्क्ड 1 ऑन वन फेस एंड 6 ऑन द अदर, अ फेयर डाई इज टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द सम इज 13, 3 और 12। तो अब देखिए, वैसे तो जो कॉइन होता है उसका फेस होता है हेड और टेल, लेकिन यहाँ पर जो कॉइन के फेस हैं उस पर एक मार्क है और दूसरे फेस पर आपके पास 6 मार्क है, क्लियर। और एक आपने डाई थ्रो करी है, तो डाई के आउटकम्स क्या हो सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। सबसे पहले सैम्पल स्पेस तैयार करना ज़रूरी है हमारे लिए। अब देखिए, अगर आपने कॉइन टॉस करा, पॉसिबिलिटी है कि कॉइन पे 1 आ जाए, राइट। अगर हम पॉसिबिलिटी लेते हैं 1 की, अब 1 के साथ डाई में क्या आ सकता है, डाई में उसके साथ 1 भी आ सकता है, डाई में उस 1 के साथ 2 भी आ सकता है। ये देखिए, जो हमने सेकंड नंबर पे लिखा है ये डाई है, अगर हमने कॉइन टॉस करा उसमें 1 आया, अब डाई के साथ क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, यानी 1 के साथ कॉम्बिनेशन जो है 1 भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है, 4 भी बन सकता है, 5 भी बन सकता है और 6 भी बन सकता है। ऐसा हो सकता है कि कॉइन में 6 शो हुआ हो, अगर कॉइन में 6 शो हुआ हो तो डाई में उसके साथ क्या हो सकता है, 6 के साथ 1 भी आ सकता है, 6 के साथ 2 भी आ सकता है, 6 के साथ 3 भी आ सकता है, 6 के साथ 4 भी आ सकता है, 6 के साथ 5 भी आ सकता है और 6 के साथ 6 भी आ सकता है। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास तैयार हो गए, राइट। अब हमें कहता है सम 3 चाहिए, एक बार सैंपल स्पेस बन जाए फिर कोई टेंशन नहीं। अब 3 सम वाला सिर्फ एक ही आउटकम है 1, 2, राइट। तो इट्स 1 अपॉन 12, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 12। और फिर हमें कहता है सम 12 चाहिए, तो एक आउटकम है 6, 6, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो गई 1/12, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देयर आर 4 मैन एंड 6 वुमेन ऑन अ सिटी काउंसिल, इफ 1 काउंसिल मेंबर इज सिलेक्टेड फॉर कमेटी, हाउ लाइकली इज इट वुमेन। तो अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो हमारे पास 4 मैन है प्लस 6 वुमेन है, तो टोटल आउटकम्स हो गए 10। अब हमने ई इवेंट डिफाइन कर दिया कि वुमेन सेलेक्टेड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 10 हो गए, अब फेवरेबल इन 6 में से कोई भी वुमेन आ सकती है, तो फेवरेबल नंबर 6 हो गया। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3/5, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है, ध्यान से सुनेंगे इसे। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, ओके, अ पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड एंड लूज ₹1.50 फॉर ईच टेल, दैट टर्न्स आउट फ्रॉम द सैम्पल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दिस अमाउंट। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 टॉसेस का सैम्पल स्पेस क्रिएट करना है। तो अब देखिए, वो काम आएगी ट्रिक जो हम लोगों ने अभी सीखी थी। तो सबसे पहले देखिए, कॉइन के चांसेस कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनेंगे सैम्पल स्पेस में, सबसे पहले हमारे लिए वो जानना ज़रूरी है। तो कॉइन के फेसेस कितने होते हैं, 2, आपने उसे 4 टाइम टॉस करा तो इसका मतलब 4 पावर लगा देंगे, तो ये 2 × 4 मत कर दीजिएगा, 2 × 2 × 2, 4 टाइम आपने 2.2 करना है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनेंगे 16। अब कैसे बनाने हैं, 16 का हाफ कितना होता है 8, तो सैम्पल स्पेस हम क्रिएट कर रहे हैं, आप लिख दीजिए 8 times हेड, राइट। तो आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 टाइम टेल्स, फिर 8 का हाफ, ये देखिए 8 का हाफ 4, 4 टाइम्स हेड, देन 4 टाइम टेल, 4 टाइम हेड और 4 टाइम टेल। अब 4 का हाफ 2, तो 2 बार हेड, 2 बार टेल,
तो वही हमने क्या करा, 8 times हेड लिखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 times 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब हमारे पास 8 का हाफ कितना होता है, 4, 4 times हेड और 4 times tail, अगेन 4 times हेड और 4 times tail, अब 4 का हाफ कितना आ गया हमारे पास, 2, तो 2 बार हेड 2 बार टेल 2 बार हेड 2 बार टेल अगेन 2 बार हेड 2 बार टेल 2 बार हेड 2 बार टेल 2 का हाफ 1 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल सॉरी टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल इस तरीके से हमारे 16 आउटकम्स तैयार हो गए, राइट। अब हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि अगर हेड आता है तो 1 rupees प्लस होंगे, लेकिन अगर टेल आता है आपके पास तो 1.5 rupees आप लूज करेंगे। तो हमें क्या करना है, अमाउंट का सैम्पल स्पेस क्रिएट करना है। तो चलिए, पहला है आपके पास 4 times हेड आ रहा है। अगर हमारे पास 4 times हेड आ रहा है तो हमने रुपए जीते ही हैं, कितने रुपए जीत लिए हमने, 1 1 करके कितने हो गए, 1 rupees 1 rupees 1 rupees, तो 4 rupees हमारी विनिंग में आ गए, तो 4 rupees का सैम्पल स्पेस आ गया। सेकेंडली, आपके पास 3 बार हेड आया तो 3 rupees प्लस हुए, लेकिन टेल में आपने 1.5 rupees लूज कर लिए, तो ये कितना आ जाएगा, 1.50। ये सेकेंड भी हो गया। थर्ड में भी सेम 3 बार हेड है तो इसमें भी यही आ जाएगा, 1.50 हम गेन करेंगे। फिर आता है 2 बार हेड, तो 2 rupees आपने गेन करे लेकिन 3 rupees आपने लूज कर लिए, तो कितना आ गया, -1। सिमिलरली 3 rupees आपने गेन करे और 1.5 rupees आपने लूज कर लिया, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1.50। और इसी तरीके से हमने सारे जो गेन लॉस हैं वो तैयार कर लिए। राइट, ये सारे अब आप कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए लास्ट वाला हम आपको बताते हैं, टेल टेल ये तो -1.50 -1.50 -3 -3, तो ये -6 rupees। अब हमें क्या करना था, इन सैम्पल स्पेस में डिफरेंट अमाउंट्स के जो आपके पास सैम्पल स्पेस था वो तैयार करना था और इन सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो 4 rupees का गेन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप देख सकते हैं टोटल आउटकम्स हैं 16 और 4 rupees का गेन एक ही बार हुआ है। इसी तरीके से 1.50 rupees का गेन हुआ, ऐसा कितनी बार हुआ है 16 में से, 1, 2, 3, 4 times, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4। राइट, सिमिलरली अगर हम बात करें 1 rupees लॉस की, तो 1 rupees का लॉस कितनी बार हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 times, राइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 times, तो 6/16, इसे सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 3/8। इसके अलावा 3.5 rupees का भी लॉस हुआ है आपको, दैट इज 4/16, एंड द लास्ट आपका 6 rupees का लॉस हुआ है, वो आपका 1/16। तो सबसे ज़रूरी है इनका गेन लॉस निकालना, दैट इज़ वेरी सिंपल। आप देखिए कोई भी इवेंट ले लीजिए, जैसे THTT, तो यहाँ पर आपके 1.5 rupees 3 बार लॉस हो गए, तो 4.5 लॉस हो गया और 1 rupee आपका प्लस होगा, तो लॉस कितने का हो गया, 3.50। तो आपने उन अमाउंट्स को लिखना था और उन अमाउंट्स की प्रोबेबिलिटीज निकालनी थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 3 coins आर टॉस्ड, फिर से आ गया हमारे पास, 3 coin टॉस करे हैं और ये प्रोबेबिलिटीज निकाल दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8, पहले हमें सैम्पल स्पेस तैयार करना पड़ेगा। अब कॉइन को 3 बार टॉस करा है, फेस तो कॉइन के 3-2 ही होते हैं और उसे 3 बार टॉस करा है, तो 2 × 2 × 2 यानी कितने आउटकम्स हो गए हमारे पास, 8। अब 8 का हाफ कितना होता है, 4, तो 4 times हेड और 4 times टेल और 4 का हाफ 2, 2 बार हेड 2 बार टेल 2 बार हेड 2 बार टेल एंड लास्ट 1 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल। तो हमारे पास ये 8 outcomes बनकर तैयार हो गए। अब एक बार सैम्पल स्पेस तैयार हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं, आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स।
तो थ्री हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो एट ही है, थ्री हेड्स क्या है, एक ही बार तो आएगा ही, देखिए यही तो है ना आपके पास, तो इसका मतलब इसके चांसेस कितने हो गए, 1/8। फिर सेकेंड है हमारे पास टू हेड, दो हेड आने चाहिए, तो दो हेड देखिए एक इसमें आ गया HHT, एक इसमें आ गया आपके पास और एक इसमें आ गया, तो कितने इवेंट्स हो गए, 3/8। तो चलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/8। थर्ड, एट लीस्ट टू हेड, अब देखिए एट लीस्ट टू हेड का मतलब होता है कम से कम टू हेड, मतलब टू और टू से ज़्यादा, तो टू हेड और थ्री हेड इसमें दोनों काउंट हो जाएंगे, राइट, तो टू हेड और थ्री हेड, तो देखिए ये वाला आ जाएगा इसमें, ये वाला भी आ जाएगा, देखिए टू हेड वाला तो हमने पहले भी ली थे थ्री, और ये थ्री हेड वाला एक और आ गया, राइट, ये वाले इवेंट्स आ जाएंगे इसके, तो कितना हो गया इसका, 4/8, जिसे आप सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 1/2, राइट। चलिए उसके बाद हमारे पास है फोर्थ, फोर्थ में क्या कहता है हमें, एटमोस्ट टू हेड, अब एटमोस्ट टू हेड का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा दो हेड, मतलब दो और दो से कम, तो दो हेड, एक हेड और जीरो हेड, ये सारे लेने हैं, तो सिर्फ तीन हेड वाला नहीं आया ना, बाकी तो सब आ गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपके पास 7/8, राइट। फिफ्थ आपको कहता है, फिफ्थ में नो हेड, एक भी हेड नहीं आना चाहिए, तो जीरो हेड, अब जीरो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, थ्री टेल वाली, तो हो जाएगा 1/8। फिर हमारे पास सिक्स, थ्री टेल्स आने चाहिए, थ्री टेल्स चाहिए, तो ऐसा तो एक ही है ना थ्री टेल वाला, इट्स 1/8। उसके बाद आता है एग्जैक्टली टू टेल, एग्जैक्टली टू टेल यानी उसको दो टेल चाहिए, तो दो टेल किसमें है, देखिए एक तो आ गया हमारा ये, एक आ गया ये और एक आ गया ये, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/8, 3/8। फिर हमारा एट पार्ट, नो टेल, तो नो टेल का मतलब ये हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/8, राइट। और फिर कहता है एट मोस्ट टू टेल, एट मोस्ट टू टेल का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा दो टेल, मतलब दो टेल, वन टेल और जीरो टेल, ये सारे आ जाने चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपके पास 7/8, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टेल। हमेशा याद रखेंगे किसी भी इवेंट के होने और उस इवेंट के ना होने का सम हमेशा वन होता है, राइट। तो अब इसने आपको उस प्रोबेबिलिटी के होने की वैल्यू तो बता दी है, कितनी है, 2/11। नॉट की प्रोबेबिलिटी पूछिए, तो ये नॉट की प्रोबेबिलिटी होती है आपके पास, दैट इज 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1 - 2/11, दैट इज 9/11, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड असैसिनेशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, दैट इज वोवल एंड कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स काउंट करने हैं, तो ये 13 है, अब वोवल ही चाहिए हमारे को, प्रोबेबिलिटी दैट इज वोवल इज सेलेक्टेड, तो वोवल में देखिए ए आ रहा है आपके पास, ये देखिए ए, और आई आ रहा है हमारे पास आई ओ, तो कितने हो गए हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, ये देखिए ए और है, तो 6/13 वोवल की प्रोबेबिलिटी हो गई। और कॉन्सोनेंट की अगर बात करी जाए, तो अगर टोटल 13 में से आपके पास 6 वोवल है, तो 7 कॉन्सोनेंट है, तो 7/13 इज द प्रोबेबिलिटी। तो आई होप आपको 10 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर क्लियर रहे हों। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी, तो प्लीज़ अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर करिए, अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग योर क्लासेस।